किसान भाइयों, क्या आप काला गेहूं की खेती करना चाहते हैं? क्या आप काला गेहूं की खेती करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि अगर हम काला गेहूं की खेती करते हैं तो हमें एक एकड़ में कितना उत्पादन मिलता है, और उसी के साथ साथ अगर आप इसका अच्छा उत्पादन ले लेते हैं तो आपको मार्केट में इसका अच्छा रेट क्या मिलता है? तो किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा और काफ़ी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम काले गेहूं को लेकर सारी बातें करेंगे और काले गेहूं की जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वो आपसे शेयर करने वाले हैं। नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टार यूट्यूब चैनल, और जैसा कि अभी आप कहीं पर भी देखेंगे तो काले गेहूं को लेकर बहुत सारे बातें होती रहती हैं। मुझे काला गेहूं ख़रीदना है, मुझे काला गेहूं बेचना है, हमारे पास काले गेहूं की ख़रीदारी की जाती है, हमारे पास काले गेहूं का बीज अवेलेबल है, बेचा भी जाता है। अगर आप फेसबुक ग्रुप्स पर देखेंगे या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप्स पर देखेंगे, तो जो फेसबुक पर एग्रीकल्चर ग्रुप है, अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो आपको दिन भर में ऐसी हज़ारों पोस्ट मिल जाएंगी, हज़ारों ऐसे किसान भाई मिल जाएंगे जो कि जिसमें कि किसी किसान भाई को काला गेहूं ख़रीदना रहता है या फिर किसी किसान भाई को काला गेहूं बेचना रहता है। तो क्या वाकई में काले गेहूं की मार्केट रेट इतना ज़्यादा है और काले गेहूँ की डिमांड इतनी ज़्यादा है? तो किसान भाइयों, अगर ऐसा आप सोचते हैं तो बहुत गलत सोच रहे हैं, और आप अगर ये सोच लेकर काले गेहूं की बुआई कर देते हैं तो आगे चल के आपको काफ़ी घाटा होने वाला है, काफ़ी नुकसान होने वाला है, क्योंकि काले गेहूं की रियलिटी काफ़ी अलग है। कुछ किसान भाई बस अपने बीज को बेचने के लिए, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने बीज को बेचने के लिए बस काले गेहूं की तारीफ़ करते हैं। हम मानते हैं कि काला गेहूं पौष्टिक है, काला गेहूं विटामिन से भरपूर है, और भी बहुत सारे काले गेहूं के फ़ायदे हैं, लेकिन क्या काले गेहूं का रेट मार्केट में सही मिलता है? तो इसी की जांच पड़ताल के लिए मैंने भी फेसबुक पर कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाली थी, जिसमें मैंने कहा था कि मुझे काले गेहूं की खेती करना है, किसान भाई मुझे मार्गदर्शन करें। और बहुत सारे किसान भाइयों ने उस पोस्ट पर कमेंट किया है, आप देख सकते हैं कि पोस्ट क्या डाली है और उस पर जो कमेंट आए हैं वो क्या क्या आए हैं। तो बहुत सारे किसान भाइयों ने उसमें कमेंट किया, पहले तो उन किसान भाइयों का धन्यवाद जिन्होंने बिल्कुल सही सही और जैसी हकीकत है वैसा ही बताया है, तो उन किसान भाइयों का धन्यवाद। तो उस पोस्ट में बहुत सारे किसान भाइयों ने लिखा था कि काले गेहूं की खेती भूल कर भी मत करना, काले गेहूं का आपको कहीं ख़रीदार नहीं मिलने वाला है, काला गेहूं की खेती करके आप पछताओगे, काले गेहूं के बजाय आप कोई और खेती कर लीजिए। बहुत सारे किसान भाइयों ने इस प्रकार के कमेंट किए हैं, आप देख सकते हैं कि एक नहीं कई किसान भाइयों ने इसके बारे में कमेंट किया है। कुछ किसान भाइयों ने ये भी कहा है कि अगर आप खुद के खाने के लिए या फिर खुद के लिए लगा रहे हैं तो आप काले गेहूं की खेती करिए, वरना मत करिए। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूं आपको कि काले गेहूं के बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं, और फेसबुक पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काले गेहूँ के बारे में काफ़ी बातें करते हैं और कहते हैं कि काला गेहूँ इतना महंगा बिकता है, इतना महंगा बिकता है। लेकिन जो किसान भाई काले गेहूं के बीज को लेकर पोस्ट डालते हैं, कभी आपने उस पर फ़ोन लगा के बात की है कि काले गेहूं की एक्चुअल प्राइस क्या है? तो बहुत सारे किसान भाइयों ने मुझे जो मंडी में, उज्जैन मंडी में जो गेहूं बिका था, उसकी पर्ची, उसका जो स्लिप होती है, जो बिल होता है, वो भी मुझे दिया है कि कितने रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से काला गेहूं बिक रहा है। मात्र 1250 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से काला गेहूं बिकता है, और वो भी बड़ी मुश्किल से, कोई इसका ख़रीदार नहीं है। बस कुछ ऐसे लोग हैं जो इस गेहूं को ख़रीद लेते हैं और फिर कुछ भोले किसान भाइयों को फंसाने के लिए, उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए, उनसे पैसा ज़्यादा मात्रा में लेने के लिए बीज ख़रीदते हैं और फिर उनको डबल ट्रिपल रेट पर बेचते हैं। तो बहुत सारे फर्जी काम हो रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा सावधान हो जाइए। ज़्यादा कमाने की लालच में आप कोई ऐसी खेती मत कर बैठिएगा कि जिसमें आपको घाटा हो जाए। तो किसान भाइयों, यह थी काले गेहूं की काली सच्चाई, और आपने बिल भी देखा होगा कि क्या रेट में बिक रहा है। और अगर आप काले गेहूं की खेती करने के लिए इतने ही उत्सुक हैं तो आप पहले ही किसी व्यापारी से कॉन्ट्रैक्ट कर ले,
कि हाँ मुझे इतने रुपए प्रति किलो आपको देना होगा, तब जाके मैं काले गेहूं की खेती करूंगा। पर आप अगर आप काले गेहूं की खेती करते भी हैं तो आपको उत्पादन बहुत कम मिलेगा, जो कि हमारा सामान्य गेहूं है उससे बहुत कम रेट में बिकेगा। तो काले गेहूं की खेती को लेकर आपने सोच बदली है, और काला गेहूं ही नहीं, कोई भी अगर आप खेती करते हैं तो उसकी पूरी जांच पड़ताल कर लीजिए। आजकल बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियो या पोस्ट या फिर मैसेज आते रहते हैं कि ये खेती करिए इसमें ज़्यादा मुनाफा है, ये खेती करिए इसमें ज़्यादा मुनाफा है। कोई भी खेती करिए, आप सोच समझ कर करिए और उसकी पहले पूरी डिटेल निकाल लीजिए, पूरे अच्छे से सर्च कर लीजिए, तभी उसकी खेती करिएगा। तो किसान भाइयों, यह थी काला गेहूं की काला बेजारी के बारे में जानकारी, और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा और कुछ किसान भाइयों को बुरा भी लगा होगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।